बंसी और डाल। डॉक्टर साहब यूं बालों को घना लंबा हो गया से ऊत के पांव पालने में दिखे हैं। अरे पंडित जी जो मारी नस्ल से कौन कहेगा इतना बड़ा छोरा 4 साल का से। बस कीजिए आप सब, कहीं ऐसा ना हो हमारी नजर लग जाए हमारे बेटे को। नजर क्यों कर लग जाएगी बहू? रे बंसी और अनाज डाल पालड़े में, जितना अनाज बटेगा हमारे पोते ने उतनी दुआएं मिलेगी। हाँ बाबूजी, मारे को तो लागे मारा आ रहा हो, मारे से भी लंबा होगा। बूढ़ा परिवार का नाम रोशन करेगा हमारा पोता, 6 फुट 2 इंच का गबरू जवान बनेगा। हाँ दादू। किसका तराजू सही है? मारा से उड़ा साहब। आराम खोर। अरे अत्री मजार। 2 कोड़ी का तराजू लाके उन्हें इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। माफ कर दीजिए। जान से मार दूंगा तने। बाऊजी, बाऊजी आरव ठीक है। उस बेचारे को मत मारिए आप। अरे बहू, इस हराम खोर की वजह से इतना बड़ा अपशगुन हो गया है। कैसा अपशगुन भाऊजी? वो बिजली का क्या हो गया? अरे बंसी का था, ये देखो कहीं फ्यूज तो ना उड़ गया। जी गौतम बेटा, अभी देखता हूं। छुपकर मारा आदमी परिवार कर रहा है। ये गौतम बंदूक लेके मारी। जी बाबूजी, अभी लाया। अरे कौन से उधर? कौन है?
काम। हारव के पापा, हारव के पापा कहाँ हो आप? हारव के पापा, पापा, क्या हो गया? क्या हुआ मेरा बेटा ना? मेरा बेटा क्या हुआ? किसने मारा मेरा बेटा? ये तो शांत हो गए। जानवर घुसा आया बंसी और कैसा आया? मैंने पूरी घर की कड़ी सुरक्षा के प्रबंध चाहिए। सरकार, जानवर की जगह कहीं वो तो नहीं वापस आ गया? से वो कौन? वो सरकार, वो बकवास बंद कर बंसी, वो कैसे वापस आ सकता? वो कौन बाबूजी? कोई ना बाबू, जल्दी से जाओ और उस जानवर को पकड़ने का इंतजाम करो। जी जी सरकार। हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले और उनका इलाज वही करेंगे बेटा। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के साथ खेलना है, मुझे उनके साथ रोड पे लटकना है। अरे गौतम, ये भी मारा पोता लटकेगा, वो भी हुड़ा खानदान के सभी मर्दों की तरह लंबा चौड़ा बनेगा। लटका मारे पुत्र ने। जी बाबूजी। शाबाश मेरे शेर। लटकते तो बंदर है ना दादू। पापा को कौन से जानवर ने मारा दादू? सरकार, ये तो किसी जानवर के बाल लगे से। जानवर के बाल यहाँ कैसे आएंगे बंसी? मैं हम भी कह रहा हूँ सरकार, कहीं वो तो आप वापस नहीं आ गया से। बंसी, मैं तने कितनी बार कहूँ सुन, भूल के भी मन में उसका ख्याल ना ला, वो कभी वापस ना आ सकता। करण को बुला और ये साफ करा। जी जी सरकार।
बेटा? किससे बातें कर रहे थे? हाँ, पर्दे के पीछे कोई है। वहां तो कोई नहीं है। मैंने कहा ना, कोई है। अच्छा, मैं देखती हूँ। आप ये सब साफ कर दीजिएगा। जी बहू रानी। चलो। आरू बेटा, ये तने किसकी पेंटिंग बनाई से? ये मेरा दोस्त है अप्पू। कल रात को मां सो गई थी ना, तो ये मेरे साथ खेल रहा था। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। महाकाली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ताभ्याम। आरव के पापा पर भी ऐसे ही निशान थे ना? हाँ बहू रानी,
है तू। आजा हमारे सामने आजा। अगर मैंने अप्पू के बारे में आपसे एक शब्द भी कहा ना तो सरकार मेरी जान ले लेंगे। ठीक है, मैं खुद पूछ लूंगी बाबूजी से। पिंजरे में क्या कर रहे थे तुम? अप्पू के साथ खेल रहा था। अप्पू के साथ? बाऊजी, क्या आप भी आप मुझे सच नहीं बताएंगे? कौन है ये अप्पू? और क्या हारफ के पापा को भी इसी ने मारा है? अप्पू ने कहीं तुझे मारा तो नहीं? नहीं, अप्पू तो बहुत अच्छा है। और हाँ, उसने कहा था कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा।
खेल है, चुई लगाएंगे चुई। देखो मैंने भी चुई लगाई। कौन सी सुई लगाई तूने? पता नहीं माँ। और दादू मुझे तो कोई भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि मैं आपका बहादुर पोता हूँ ना। पहले मुझे किसी और से सवाल कर रहे हैं। अब्बू बोला बनवानस छुप कर बैठा है, बाहर निकल। का सबसे छोटा बेटा था अपूरव, जिसे प्यार से सब अप्पू कहा करते थे। लेकिन जब अप्पू 18 साल का हुआ तब एक अपशगुन हुआ। पंडित जी 18 साल का हो गया हमारा बेटा और 18 इंच से आगे ना बढ़ रहा। जो आखिरी पूजा है पंडित जी, इब अगर कुछ ना हुआ ना तो ये पूजा पाठ का आसरा छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। अठारहवें जन्मदिन पे अप्पू जो तरज्जु से गिरा तो सरकार के मन में ये शंका हुई कि कहीं ना कहीं कोई अपशगुन जरूर है। और उनका वहम सच साबित हुआ क्योंकि क्योंकि अप्पू का कद बढ़ा ही कोनी, वो बोना का बोना ही रह गया। तो ये कारण था बाऊजी के गुस्से का जब आरव तराजू से गिरा। एक इंसान जिसे जिसे अपने परिवार के मर्दों के कद पर इतना गुरूर है, उसे ये लगा कि उनका पोता भी छोटा रह जाएगा। हाँ बहुरानी, सरकार का गुरूर पागलपन की हद का से है। अप्पू का छोटा कद उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उन्होंने अपने बेटे के साथ वो सब कुछ किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। लटक जा, लटक जा। बाबूजी मुझे बाहर निकालो। बाबूजी मैं गिर जाऊंगा। अप्पू मुझे बाहर निकालो। बाबूजी अपनी जान प्यारी से पूरा एक घंटा लटकना है, एक ही उपाय जिससे थारा कद बढ़ सके है। गौतम लटका रहे भैया, आप तो मुझे निकालो। बस 10 मिनट रह गए। जो तू गिर भी गया ना हमारा भाई, तो अपने बड़ा भाई का फायदा करा के ही जाएगा। सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम पे। इसे कहते हैं हाथी मरा भी तो 9 लाख का। रे ओ बंसी काका अपनी मोहब्बत में इस पिद्दे की मदद ना कर देना, नहीं तो थारी मदद करने कोई ना आवेगा, समझे? जब इन सारे तरीकों से भी अप्पू का कद नहीं बढ़ा तो सरकार ने गजब ढाया, उसे इंजेक्शन लगाए। कैसे इंजेक्शन? हमारे पोते को कौन सा इंजेक्शन मारा अप्पू? वही इंजेक्शन जो 10 साल पहले
आपने मुझे दिया था। कितना तड़पेगा? शुक्र मना बाबूजी फरण इतना कुछ कर रहे से वरना तो पिता ही रह जाता, समझा? भैया लंबा नहीं तुम्हारा बेटा ना है, मेरी जिंदगी की शर्मिंदगी है। और जब तक मैं ना गौतम जैसा ना बना देता ना, छोड़ूंगा ना। बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं नहीं बाबूजी नहीं। ऐसी दवाइयां दी सरकार ने बेचारे अप्पू को कि उसके शरीर पे बंदर की तरह बाल और पूंछ निकल आई। अप्पू बेटा रो मत, ये सब उन सुइयों की वजह से हुआ है। थारे बापू डॉक्टर को बुला के थारा इलाज जरूर कराएंगे बेटा। कोई डॉक्टर ना आएगा बंसी। ये देखो ना, मैं इंजेक्शन मेरे बाल ये सब इंजेक्शन की वजह से हुआ है बाबूजी। इंजेक्शन की वजह से कुछ ना हुआ आपको, असल में तुम्हारी बदकिस्मती है। पहले तो सिर्फ बोना था कि बन मानुष भी लगने लगा है। बाबूजी मुझे डॉक्टर के पास ले चले। हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को इंजेक्शन लगा? मन्ना अभी कभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमारी जंजीर खोल दे, बन्ने हमारे पोते का इलाज कराने जाना है। याद कीजिए बाबूजी, सालों पहले इसी कमरे में इसी जंजीर से बांध के रखा था। याद करे बाबूजी। बाबूजी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। को रखा यहाँ से कभी बाहर ना निकलेगा। बाबूजी, शांत रह। बाबूजी, किसी से ना मिलेगा और ना तेरे से कोई मिलने आवेगा। बाबूजी भैया, आप तो मुझे बचा लो, मुझे डॉक्टर के पास जाना। बंसी काका हमारा वफादार है, हारा नहीं। चल रहे बंसी, चल रहे बंसी। बाबूजी मुझे बाहर निकालो। गौतम भैया, मेरी क्या गलती है, मुझे बाहर निकालो बाबूजी। भैया वापस क्यों आया सर? तू बोलना बेटा, तू क्यों वापस आया? क्या चाहिए तन्ने? बेटा बोलोगे? अब नहीं बोलोगे? माना मनोज, अब सगुन पैदा होते मां मर गई, उसका जिम्मेदार मैं। फसल नष्ट हो गई, उसका जिम्मेदार मैं। कुछ भी हुआ
उसका जिम्मेदार मैं। गौतम भैया को तो मैंने मार डाला, अब उनके बेटे को बोला बनाने की फारी है। नहीं हे भगवान, आपको कहीं इसे अपने जैसा तो नहीं बनाना चाहता? तुम्हारे पोते ने कुछ नहीं करेगा वरना मैं तन्ने मार दूं। नहीं अब क्या मारेंगे बाबूजी? मार तो 10 साल पहले चुके हो, इस पौने की बहस बाली है। ये खोटा परिवार में एक बांगड़ा हमेशा पैदा होगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो जाके अपने पोते को देख लो। जी जी बहू रानी, चलिए। आरव, मेरा पोता। दौड़ रही है आप मेरे बेटे से। बहू, तू भूल रही है कि तू किससे बात करने लग रही है? मैं जानती हूँ बाबूजी, मैं किससे बात कर रही हूँ। ये सब आपके पाप है जिन्होंने पहले मेरे पति की जान ली और अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। जो क्या कह रही सब बहू? आपने अपने अंधे गुरूर में अपने बौने बेटे को जानवर बना दिया और अब मैं अपने बेटे के पास भटकने तक नहीं दूंगी आपको। बंसी काका, चलिए आप। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बख्श दीजिए। अप्पू, मैं थारे आगे हाथ जोड़ू, मारे किए की सजा मारे पोते ने ना दे। मैंने कहा था ना, उल्टा खंडार में एक बावला रहेगा। अब तो मैं रहा नहीं, ये आपको तय करना है, बावला आपको बनना है या आपके पोते। अपु, मैं अगर बोना बना तो तुम्हारे पोते ने ठीक कर देगा ना? बड़ी चिंता है अपने पोते की, क्योंकि वो गौतम भैया का बेटा है ना, लेकिन मैं तो आपका बेटा था ना। मुझे अपने जैसा बना दो। नहीं आ रहा।
सरकार बाबूजी सरकार सरकार क्या बंती सरकार सरकार बाबूजी क्या कर रहे हैं आप सरकार सरकार ये बाबूजी क्या कर रहे हैं सरकार क्या बंती सरकार ये क्या कर रहे हैं बाबूजी सरकार बहू मारे पोते की आंख बंद कर मारे पोते की आंख बंद कर बहू खुद को बोझा बना लिया अब तुम्हारे पोते को ठीक कर दे अबू अब हुए ना आप मेरी बराबरी के भावना का बाप भावना आप देखना इस नजर से बड़ों की दुनिया तब पता चलेगा आपको कितनी बेरहम होती समझे